हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम टॉपिक देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 23। सो इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रूव दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी होल पावर n। सो आपको गिवन क्या है इसमें, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, जो कि आपको a के इक्वल ही गिवन है। एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, a n, दैट इज a r n माइनस वन, जो उसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज b। सो गिवन में आपको ये है। एंड p आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरह से होती है, a ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर एन माइनस वन। सो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स होती हैं। सो इनका प्रोडक्ट आपको पी के इक्वल गिवन है। जो पी है आपका, वो प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स का। सो दैट मीन्स ए डॉट ए आर डॉट ए आर स्क्वेयर डॉट ए आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। लास्ट टर्म जो है आपकी ये है, दैट इज़ ए आर एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन। सो ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है। यहाँ पर ए की टर्म्स मैं एक साथ कंबाइन करके लिख लेती हूँ, एन टर्म्स तक हैं आपकी, जो ए है मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही आर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एक साथ लिख लेती हूँ, आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब अप टू आर एन माइनस वन। सो ये भी आर की एन टर्म्स तक है आपकी। ऐसे ही ए जो है कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स। सो यहाँ पर मैं ए की पावर वन प्लस वन प्लस वन, बिकॉज बेस सेम जब होता है आपका तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। और यहाँ पर आपकी जो पावर है ए की वो है वन अप टू एन टर्म्स तक। एंड सेम वे आर की पावर्स को भी मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ, प्लस एन माइनस वन टर्म्स। यहाँ पर वन कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स। सो वन इंटू एन दैट इज एन, ए टू द पावर एन होगी है यहाँ पर वैल्यू। और यहाँ पर आर की वैल्यू है वन प्लस टू प्लस अप टू एन माइनस वन टर्म्स। सो यहाँ पर अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपको किस में दिखेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो इसको आप साइड में सॉल्व करेंगे एज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स, जिसकी ए टर्म है ये, डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डी की वन, बिकॉज टू माइनस वन इज़ वन, क्योंकि इसके नेक्स्ट टर्म क्या है, थ्री देन फोर देन फाइव अप टू एन माइनस वन। ए एन ए पी की क्या है आपको गिवन, एन माइनस वन। सो आपको क्या है, इनका सम करना है, दैट मीन्स सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको ये निकालना है। इसका सम निकालने पर आप यहाँ पर उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो एस एन निकालते हैं ए पी का, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, जितनी आपकी टर्म्स हैं इस ए पी में, राइट। सो यहाँ पर कितनी टर्म्स है मेरे पास, एन माइनस वन। सो जहाँ पर एन मिलेगा वहाँ पर मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूँगी वैल्यू, एन माइनस वन। और यहाँ पर ए की वैल्यू वन, ऐसे ही एन की वैल्यू एन माइनस वन माइनस वन, डी की वैल्यू वन। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, व्हाट यू विल गेट, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। सो ये आपने जो ऊपर r के ऊपर जो आ रहा था पूरा समेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो आपने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ली है। तो आप r की वैल्यू ऊपर जो पावर में है वो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, ये। सो इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है वो, इसका मतलब क्या है, ये आई है मेरे पास वैल्यू sn सम ऑफ ap टर्म्स। सो वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। सो मेरा जो प्रोडक्ट गिवन है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर r की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगी किस तरह से, जो हमें गिवन था। सो यहाँ पर हमें an, दैट इज लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है इक्वल्स टू b। यहाँ से मैं अपनी r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, एंड दैट इज r n माइनस वन इज इक्वल्स टू b अपॉन a। a की वैल्यू मैं डिवाइड पे उस साइड ले गई हूँ। और यहाँ पर जो पावर है r के ऊपर n माइनस वन, अगर ये पावर मुझे उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी है तो उधर जाके पावर वन बाय एन माइनस वन हो जाएगी। सो जो आपकी r की वैल्यू आई है, b अपॉन a होल ब्रैकेट पावर में
1 डिवाइड बाय n माइनस 1। सो ये r की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, a टू द पावर n b अपॉन a, इसकी पावर है 1 अपॉन n माइनस 1, और ये पूरे r की जो वैल्यू मैंने डाली है इसके ऊपर पावर क्या है n n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। सो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सो ये वाली जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। सो ए एन डॉट बी अपॉन ए वन अपॉन एन माइनस वन इन टू एन एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, कुछ इस तरह से टर्म्स दिखेंगी। एन माइनस वन कैंसिल, सो यहाँ पर पावर क्या बच रही है बी अपॉन ए पर एन डिवाइड बाय टू। सो बी के ऊपर भी पावर एन बाय टू है, ए के ऊपर भी पावर एन बाय टू है, सो मैं इनको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। सो ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस माइनस एन बाय टू और बी एन बाय टू एज इट इज़। सो बेस सेम है, पावर एड ऑन हो जाएंगी एन प्लस माइनस एन बाय टू, कुछ इस तरह से होगी वैल्यू आपकी। सो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट यू विल गेट, ए टू द पावर एन बाय टू बी टू द पावर एन बाय टू, और इसको आप कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं ए डॉट बी पावर एन बाय टू, बिकॉज ए के ऊपर भी एन बाय टू है बी के ऊपर भी एन बाय टू है, सो आप कंबाइन करके भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में, पी स्क्वेयर की जो वैल्यू आ रही है वो आनी चाहिए ए बी का होल पावर एन। सो यहाँ पर पी तक मैं वैल्यू ले आई हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन में पी स्क्वेयर चाहिए तो पूरी इक्वेशन को मुझे स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी इक्वेशन को स्क्वेयर कर देते हैं, एन बाय टू ऑलरेडी है, साथ में टू आपने स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया है पावर से, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और इस साइड आपकी ए बी के ऊपर ओनली क्या बचा है पावर एन, और यही आपको प्रूव करना था दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी का ए बी टू द होल पावर एन, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वनथ टू एनथ टर्म इज वन अपॉन आर टू द पावर एन। सो इसमें आपको शो क्या करना है, जो आपकी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज दिस रेशियो में आपको गिवन है, दैट इज़ द रेशो, शो क्या करनी है, जो रेशो आनी चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की और सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस दैट इज़ एन प्लस वनथ टर्म, इनका भी मुझे क्या चाहिए सम, सम ऑफ एन प्लस वनथ टर्म टू एनथ टर्म, सो क्या आनी चाहिए उसकी रेशो वन अपॉन आर टू द पावर एन, कुछ इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना पता है कि जब आपकी बेसिक एन टर्म्स होती हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो किस तरह से आप लेते हैं, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वेयर, एन टर्म्स तक कितनी होती है वैल्यू, दैट इज़ द लास्ट टर्म एनथ टर्म ए आर एन माइनस वन। सो एनथ टर्म आपने फाइंड आउट कैसे की, ए एन का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आर एन माइनस वन, सो जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको वो मिल जाती है। अगर आपको सपोज सेकंड टर्म दैट इज़ दिस ए टू रखते हैं तो आपको वही वैल्यू मिलती है एन की जगह ए आर वन, दैट मीन्स ए आर सेकंड टर्म आपको किस में वैल्यू डालने पे मिली, एनथ फॉर्मूला जो आपका बना हुआ है उसमें। इसके बाद की टर्म क्या होगी, अगर यहाँ तक एन है इसके नेक्स्ट टर्म होगी एन प्लस वन, और जो कि क्या है एन प्लस वनथ टर्म। सो एन के ऊपर मैं वैल्यू क्या डालूं, एन प्लस वन, ताकि मुझे एन प्लस वनथ टर्म मैं यहाँ पर लिख पाऊँ, राइट। सो जहाँ पर एन है वहाँ पर मुझे अब एन प्लस वन लिखना है, तो मुझे एन प्लस वनथ टर्म मिल जाएगी, वन से वन कैंसिल वन से वन कैंसिल, आर के ऊपर वैल्यू आपकी बचेगी ओनली एन, सो आपकी एन प्लस वनथ टर्म है ए आर एन। ऐसे ही इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एन प्लस टूथ टर्म एंड अप टू आपको कहाँ तक उनका सम निकालना है, एन प्लस वनथ टर्म से टू एनथ टर्म, सो दैट इज़ यहाँ पर टू एनथ टर्म चाहिए मुझे। सो यहाँ पर अब एन की जगह क्या पुट करूँगी, टू एन, बिकॉज मुझे टू एनथ टर्म तक अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
सो ए आर टू एन माइनस वन, सो ए आर टू एन माइनस वन ये आपकी टर्म जो आई है उसकी वैल्यू है ए आर टू एन माइनस वन। सो आपको रेशो एक तो लेनी है सम ऑफ एन टर्म्स जो कि हो गई ये, वो आपने ऊपर लिख देनी है निकाल के। ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू लेनी है, सम किसका लेना है सिर्फ एन प्लस वनथ टर्म से लेकर टू एनथ टर्म तक, राइट। सो अब इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी होल जो आपकी टर्म्स हैं वो कहाँ तक है, टू एनथ टर्म तक। सो इस पूरी टू एनथ टर्म में से अगर मैं डिडक्ट कर दूँ फर्स्ट एन टर्म्स तक सम, ये चीज़ डिडक्ट कर दूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी एन प्लस वनथ टर्म से लेके टू एनथ टर्म तक, ये पोर्शन बचेगा। अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ इस पूरे टू एनथ टर्म तक, इस पूरी टू एनथ टर्म में से अगर मैं ये पूरा पोर्शन माइनस कर दूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ सम ऑफ एन प्लस वनथ टर्म टू टू एनथ टर्म। सो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, एस टू एन माइनस एस एन, दैट इज सम ऑफ ऑल एस टू एन, दैट इज टू एन एथ टर्म तक जितना भी सम है वो हम फाइंड करेंगे, उसमें से हम एस एन की टर्म्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स डिडक्ट कर देंगे तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो इनकी रेशो आपको क्या शो करनी है, ये आनी चाहिए वन अपॉन आर टू द पावर एन। सो एस एन के जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाली हूँ, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और ए वन और ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एस एन में, ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर जो सम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एस टू एन, एन में था तो पावर आपने एन ली, टू एन है तो यहाँ पर आप क्या पावर लेंगे, टू एन। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू कॉमन आ रही है, राइट, और वन माइनस आर आपका कॉमन आ रहा है, और ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ ए अपॉन वन माइनस आर, और यहाँ पर वन माइनस आर टू एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस आर टू द पावर एन, वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म रेसिप्रोकेट होके ऊपर आ जाएगी, वन माइनस आर एन वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर, बेस में क्या आ रहा है ए मल्टीप्लाई विद माइनस आर टू एन प्लस आर एन, ए से ए कैंसिल, वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल, न्यूमिरेटर में हमारे पास टर्म है वन माइनस आर टू द पावर एन और डिनोमिनेटर में है आर एन माइनस आर टू एन। आर टू एन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ आर एन होल पावर स्क्वेयर, बिकॉज इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, टू एन। यहाँ से अब मैं आर एन की वैल्यू कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस आर एन, राइट, वन माइनस आर एन वन माइनस आर एन कैंसिल, वट यू विल गेट वन अपॉन आर टू द पावर एन, और यही आपको प्रूव करना था इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो ये किस तरह से शो करेंगे हम, लेट्स डू दैट। सबसे पहले ए बी सी एंड डी जो है आपको किस में गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और आपकी फोर टर्म्स अगर आप लेट करते हैं ज्योमेट्रिक की फोर टर्म्स, तब आपको वो किस तरह से होंगी, ए फर्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट ए आर, देन ए आर स्क्वेयर, देन ए आर क्यूब। सो ए इक्वल्स टू ए, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर लेट कर लो, एंड डी की वैल्यू ए आर क्यूब। सो ये हम अप्लाई करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड में भी, एंड देन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए की वैल्यू क्या है आपकी ए, सो दैट इज़ ए स्क्वेयर ही रहेगा, बी की वैल्यू क्या है ए आर, सो इस तरह से ऐसे ही सी की वैल्यू अप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ पर ए स्क्वेयर टू टू ज़ा फोर, इस साइड ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आर फोर, ए स्क्वेयर थ्री टू ज़ा आर की पावर क्या हो जाएगी सिक्स।
सो यहाँ वाली सो इस वाले ब्रैकेट में आपको ए स्क्वेयर कॉमन मिलेगा, सो 1 + r² + r4, और ये वाले ब्रैकेट में आपको ए स्क्वेयर भी कॉमन मिलेगा और आर स्क्वेयर भी कॉमन मिलेगा, सो 1 + r² + r4। अब बेस जब सेम, अभी सारी टर्म्स क्या हैं आपस में मल्टीप्लाई में है, सो a² कितना हो जाएगा, a4, पावर्स ऐड हो जाती हैं, आर स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा बिकॉज साथ में आर स्क्वेयर और नहीं है, और 1 + r² + r4 टू टाइम्स हैं, तो कंबाइन करके स्क्वेयर में लिख सकते हैं लाइक दिस। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड वो भी आ जाएगी। b की वैल्यू क्या है, ar, c की वैल्यू ar² एंड t की वैल्यू ar³। सो वैल्यूज मैंने ए बी सी डी की डाल दी हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर इनसाइड ब्रैकेट देखिए, इनसाइड देखिए कि आपका a² कॉमन है और r कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 1 r² r4, और इनके ऊपर क्या है, अभी स्क्वेयर, सो a² r के ऊपर स्क्वेयर चढ़ जाएगा, ऐसे ही इसके ऊपर स्क्वेयर हो जाएगा। सो इसको करेंगे a² r² 1 + r² + r4² सो ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इजी था ये। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो पॉजिटिव टू नंबर्स दैट इज ए 3 and b 81, इनके बिटवीन आपको 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, उनका मतलब ये है, और इनकी वैल्यू निकालनी है। सो ए आपकी वैल्यू हो गई 3, बी हो गई आपकी 81, और जब मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन मोर देन 1 आपको इंसर्ट करना होता है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तब आपकी आर की वैल्यू जो होती है, कॉमन रेशियो फाइंड करने की जो वैल्यू होती है, वो होती है b/a^(1)n+1, और ये जो n होता है, जितनी आप टर्म्स मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो सपोज़ यहाँ पर 2 टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं, 2 नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, सो आपको जो वैल्यू है इनकी लेनी है वो 2 लेनी है, सो n इज इक्वल्स टू 2। सो 3 × 1 = 27, सो 27^(1/3, सो 27 को मैं ऐसा क्या लिखूँ कि मेरी पावर कैंसिल आउट हो जाए, 3^3 करने पे मेरी जो है पावर कैंसिल आउट होगी, 3 × 1/3 इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, सो r की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है ओनली 3। सो r की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आपको पता है, g1 का मतलब होगा ar, बिकॉज a हो जाएगी ये नेक्स्ट टर्म ar, नेक्स्ट टर्म ar² दैट इज़ g2। सो इसमें आप वैल्यूज डालेंगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।